ये डिविनिटी सिर्फ कम होती है औरों की नेगेटिविटी का चिंतन सुनाना और सुनना तो अगर कोई सुनाने आए तो हम उनको प्यार से कहेंगे आजकल हमारा क्या चल रहा है हमारा व्रत चल रहा है कहेगा एक मिनट सुनो बहुत इम्पोर्टेंट बात है ऐसा नहीं जो छुट्टी देता है इतनी जल्दी आ, आ। वो कहेगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको पता है आपके बारे में वो क्या बोल रहे थे इमिजिएटली क्या कहना है लो ओम शांति नौ दिन बाद मिलते हैं इतनी विल दिस इज विल पावर दिस इज शक्ति दिस इज पावर कि सारी दुनिया भी आ जाए वी हैव टू स्टैंड अलोन एंड से मेरा व्रत है कोई अच्छी बात सुनानी है तो सुनाओ नहीं तो बाद में मिलेंगे और नौ दिन के बाद तो हमने वैसे ही डिसाइड करना है कि व्रत को कंटिन्यू करना है या वहीं पे छोड़ देना है नौ दिन व्रत क्यों किया जाता है नौ दिन का क्या महत्व है कोई भी चीज अगर नौ दिन कर ली तो नौ दिन के अंदर उसका बेनिफिट उसका बेनिफिट एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उस नौ दिन का जब बेनिफिट एक्सपीरियंस हो गया दसवें दिन रावण तो जब दसवें दिन रावण मर गया तो ग्यारहवें दिन तो वो संस्कार रहेगा ही नहीं आपके अंदर वो रावण ग्राउंड में जाके मारने के लिए थोड़ी था वो दस सिर हैं इतने सारे इस सृष्टि पे कोई चल थोड़ी रहा था दस सिर के साथ ना इस सृष्टि पे कोई चल रहा था आठ भुजाओं के साथ इट इज सिंबॉलिक रेप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वालिटी द पावर एंड द वॉइस ऑफ द सोल शक्ति आत्मा की शक्ति तो पावर दिखानी है तो कहाँ दिखाएंगे भुजा में दिखाएंगे ईगो वाइसिस दिखानी है तो कहाँ दिखाएंगे हेड में दिखाएंगे तो जब आत्मा की पावर ड्रॉ करनी थी तो आठ भुजाएं दिखा दी जब आत्मा के विकार दिखाने थे तो दस सिर दिखा दिए और हमें सिखा दिया कि नौ दिन ऐसा जीवन जियो दसवें दिन आपका रावण आपका रावण मर जाएगा ग्यारहवें दिन तो कोई आएगा ना तो आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ टेस्ट चेंज ऑफ टेस्ट कोई चीज आप टेस्टी है रोज खाते हैं लेकिन वो हेल्दी नहीं है वो टेस्टी है इसी तरह ऐसी वाली बातें टेस्टी होती है हेल्दी नहीं होती है ज्ञान की बातें बहुत टेस्टी नहीं होती है लेकिन हेल्दी होती है अब अगर कोई ज्ञान की बात हम भेजते हैं ना या सुनाते हैं तो सामने वाला बोलते है जल्दी करे टाइम नहीं है फटाफट सुनाओ लेकिन ये चटपट चटपट बातें सुना नहीं हो ना अच्छा फिर और और क्या फिर 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 अगले दिन मिलेंगे तो बोलेंगे कल वो जो बता रहे थे फिर उसका क्या हुआ उसके बाद में फिर क्या हुआ वी डिवेलप्ड टेस्ट फॉर इट विच इज़ ओके इट डज नॉट मैटर लेकिन एनी टेस्ट कैन बी चेंज्ड एनी टेस्ट कैन बी चेंज और हम सब ने एक्सपीरियंस किया है अगर हम अपनी डाइट में चेंज करते हैं तो थोड़े दिन के बाद वही चीज़ जो टेस्टी लगा करती थी वही चीज़ हमारे डाइट से पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है एंड उसके बाद हमारा ध्यान उस चीज़ की तरफ जाता ही नहीं है किसने अनुभव किया है ये किसी ने मीठा छोड़ा किसी ने तेल छोड़ा किसी ने कोई और चीज़ छोड़ी तो सारी चीज़ छोड़ने के लिए थोड़े से ही तो दिन लगते हैं उसके बाद वो चीज़ की तरफ आकर्षण खत्म इट्स गॉन तो इसलिए वो नौ दिन है कि नौ दिन वो व्रत किया तो वो आकर्षण खत्म हो जाएगा दसवें दिन मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना बोलने की एंड एक्चुअली नौ दिन में ना उनको भी पता चल जाएगा कि इनके पास नहीं सुनाने जाना है ये लोग कहेंगे ये बड़े बोरिंग है इनके पास नहीं जाना है ये सुनाने के लिए ये सुनाने के लिए इनके पास जाना है सो दे ऑल्सो नो कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है यहां तक कि हमारे पास जब सोशल मीडिया पे लोग मैसेजेस भेजते हैं मैसेजेस भी एक फुल स्पेक्ट्रम ऑफ क्वालिटी है कि लोग क्या क्या हमें भेजते हैं ये सोशल मीडिया के मैसेजेस भी हमारे व्हाइट एनर्जी सर्कल पे कितने सारे दाग लगा देते हैं क्योंकि क्लिक आफ्टर क्लिक आफ्टर क्लिक पहले तो इंफॉर्मेशन सिर्फ आती थी आस पड़ोस के लोगों से ही आती थी अब तो इन्फॉर्मेशन सारा दिन सबके बारे में सुन रहे पढ़ रहे एंड बहुत अच्छा नहीं होता है बहुत कुछ जो हम सुन रहे पढ़ रहे होते हैं इट इज समबड़ीज़ परस्पेक्टिव वो किसी का नजरिया है वो मजाक किसी ने लिखा है वो निंदा किसी ने बनाई है वो उनका संस्कार था वो उनका दाग था उन्होंने वो मैसेज बनाया हमने बैठे बैठे सिर्फ हमने बैठे बैठे सिर्फ क्या कर लिया पढ़ लिया सुन लिया देख लिया अब आया है तो फॉरवर्ड भी कर दिया अगर हम फॉरवर्ड करना बंद करते अगर हम फॉरवर्ड करना बंद दें तो बनाने वाले लोग बनाना बंद नहीं कर देंगे कर देंगे या नहीं कर देंगे वो तो बनाकर एक दो लोगों को ही भेज सकते हैं सिर्फ उसके बाद वो एक दो लोग उसको दुनिया में फैला देते हैं तो जितना हम उसको फैलाते हैं उतना हम बनाने वालों को इंडोर्स करते हैं ऐसी चीजें बनाने के लिए तो वी ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दैट कर्मा दे मेकिंग सच मैसेजेस वी आर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो मीडिया से हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं थोड़े दिन आप ऐसे मैसेजेस न सुनो ना पढ़ो ना देखो नौ दिन दसवें दिन तक आपको पता चलेगा लोग आपको ऐसे मैसेजेस भेजना बंद कर देंगे उनको भी पता है आपको क्या भेजना है फिर उसके बाद होगा या नहीं होगा होगा या नहीं होगा तो आप कर सकते नौ दिन ऐसी वाली चीजें ना देखना ना सुनना ंग लिसनिंग टॉकिंग अबाउट अदर पीपल वी आर डिप्लीटिंग आर ओन एनर्जी इसीलिए जब से हमारे पास इतना सारा कंटेंट आना शुरू हुआ हमारी इमोशनल हेल्थ बहुत फास्ट गिरी है नीचे आज इंडिया इज नंबर वन इन डिप्रेशन एंड इंडिया इज आल्सो नंबर वन इन कंटेंट कंजम्पन पिछले महीने आई डोंट नो इफ यू रेड टाइम्स ऑफ इंडिया फर्स्ट पेज यूट्यूब सेड आर बिगेस्ट क्लाइंट एंड कॉन्टेंट कंजम्पन इज इंडिया तो जो जितना कंज्यूम करेगा और क्वालिटी पर ध्यान नहीं रखेगा तो उसकी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस कंटेंट के साथ तो व्रत सिर्फ खाने पीने की चीजों का नहीं रख सकते हैं व्रत रखना है सुनने का mm -hmm. पढ़ने का देखने का फिर सोचने का फिर बोलने का फिर जीने का फिर खाने का पीने का खाना पीना तो बहुत ईजी है छोड़ना और बदलना सोचना पढ़ना देखना नौ दिन सात्विक सात्विक लेकिन वो भी ध्यान से छांटना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी तामसिक चीज़ों को तो हम नॉर्मल बोलने लगे हैं जोक है हम कहते हैं मजाक में लिखा है उन्होंने मजाक में भी किसी की निंदा की है मजाक में भी अगर किसी को क्रिटिसाइज किया है तो उस मैसेज की वाइब्रेशन क्या है उस मैसेज की वाइब्रेशन क्या है इट्स अ लो एनर्जी वाइब्रेशन किसी ने किसी के बारे में लिखा हमने सिर्फ पढ़ा और अपने एनर्जी सर्कल को मैला कर लिया तो नौ दिन करके देखते हैं आपके नौवे दिन तक तो यहाँ पहुँच जाएगी एनर्जी नौ दिन कोई भी ऐसा मैसेज ना देखेंगे ना पढ़ेंगे ना सुनेंगे और फॉरवर्ड तो फॉरवर्ड तो दूसरों को ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करके हम एक बहुत 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 डीप कार्मिक अकाउंट क्रिएट करते हैं इट इज लाइक सर्विंग टॉक्सिक फूड टू सम्बडी एल्स वी लिटरअली डूइंग दैट सर्विंग टॉक्सिक फूड टू समबड़ी एल्स सामने वाले की क्षमता कितनी है इतना सब अपने अंदर भर के उसकी स्थिति कहाँ जा रहे है तो जब हमारा इंटरेस्ट उसमें से खत्म हो जाएगा तो दूसरों को फॉर्वर्ड करने का तो क्वेस्टन फिनिश्ड फिनिश्ड अगर ये हमने कर लिया तो हमारी एनर्जी फील हो जाएगी हाई अब जीवन में कोई भी बात आए उस बात को सामना करने की शक्ति फेस करने की पावर क्या हो जाएगी जीवन में बातें आती है बातें आती है ना एक ही घर में आप चेक करना एक ही घर में तीन चार लोग रहते हैं सेम बात आती है घर का एक जना बोलता है इतनी बड़ी बात आई दूसरा जना बोलता है हाँ बात तो है तीसरा जना बोलता है छोटी सी बात है चौथा जना बोलता कौन सी बात एक ही घर में रहते हैं और सबके सामने सेम बात आई है लेकिन फिर भी हर एक का नजरिया उस बात की तरफ बहुत बड़ी बात छोटी सी बात या कोई बात ही नहीं डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन उस बात का साइज कितना है बड़ा या छोटा डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन ये टेबल है अगर चार लोगों को बुलाया जाए इस टेबल को उठाइए कोई कहेगा बहुत भारी है कोई कहेगा भारी है कोई कहेगा हल्की सी है कोई कहेगा इसका तो कोई वेट ही नहीं है डिपेंड्स ऑन टेबल तो सेम टेबल का वेट भी सेम लेकिन टेबल के बारे में हर एक का परसेप्शन डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन माई स्ट्रेंथ मेरी ताकत मेरी ताकत जब ताकत कम होगी यहां तो छोटी बात भी और जैसे यह ताकत बढ़ती जाएगी तो जीवन की बड़े से बड़ी बात भी इसलिए बात का क्या साइज है बात का क्या साइज है परमात्मा कहते हैं पहाड़ जैसी बात को भी राई बना दो राई का साइज कितना होता है दिखती नहीं अगर दो फिंगर के बीच में पकड़ लो तो राई दिखेगी ही नहीं पहाड़ जैसी बात को भी राई बना दो फिर राई को रुई बना दो और फूक मार के वी द पावर टू डू दैट बट वी ऑल्सो हैव द पावर कि रुई जितनी बात को रुई जितनी बात को पहाड़ बना देते हैं कोई भी बात जब हम दूसरों को सुनाते हैं आप देखो हमारा स्टाइल कैसे चेंज होता रहता है आपको पता है क्या हुआ अब जैसे ये बहन दरवाजा खोला अंदर आई अब मुझे ये बात किसी को सुनानी है एक तो मैं बोलूंगी दरवाजा खोला वो अंदर आई एक मैं बोलूंगी आपको पता है क्या हुआ सब आराम से बैठे हुए थे एकदम साइलेंस था वो बहन की हिम्मत देखो दरवाजा खोला उसके बीच में करते हैं कि नहीं हम इस तरह से हम उस बात को क्या करते जाते हैं एस्केलेट करते जाते हैं लेकिन हम ये नहीं रियलाइज कर रहे कि उस टाइम हम अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं घटाते जा रहे हैं वी आर डिप्लीटिंग आर इनर पावर बड़े से बड़ी बात भी आई हो ना जीवन में और अगर उसको ओवर पावर करना है तो सबसे पहले उस बात के साइज को क्या कर दो क्योंकि बात को बड़ा बनाएंगे तो हम छोटे हो जाएंगे और बात को छोटा करेंगे तो हम बड़े हो जाएंगे कोई भी बात हो सबसे पहले उस बात को क्या कर दो लेंस यहाँ है ना इस लेंस के अंदर पावर है कि बड़ी बात को छोटा देखना है या छोटी बात को बड़ा देखना है वो लेंस तो यहाँ है इवन अगर कोई और आकर आपको कहे आपके जीवन में इतनी बड़ी बात आई है तो हमने तुरंत उनके भी लेंस को क्या कर देना है मैं कौन सी बात आई है ये कोई बात है ऐसे खत्म हो जाएगी फिनिश्ड फुल स्टॉप नो नेगेटिव थॉट्स अबाउट सिचुएशंस इन आर लाइफ क्योंकि लोग आकर हमारे जीवन की बातों के बारे में सोचकर और बोल के हमें बहुत अच्छी एनर्जी देकर नहीं जाते हैं इट इज नेगेटिव एनर्जी व्हेन पीपल आर वरिंग फॉर अस इज ऑल्सो नेगेटिव एनर्जी तो अपने जीवन की बात को क्या कर दो बात को क्या कर दो इतना उस बात को बड़ा नहीं करो जितना उसको छोटा करते जाओगे आप अपने आप को पावरफुल फील करोगे जितना आप उसको बड़ा करोगे आप अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करोगे इट्स ओनली वन थॉट व्हाट थॉट यू क्रिएट हियर कुछ लोग होते हैं जो बड़ी क्रॉनिक बीमारियों को क्रॉस कर रहे होते हैं वो उस बीमारी के स्टेज थ्री स्टेज फोर को क्रॉस कर रहे होते हैं और उनके चेहरे को देखो तो ऐसा लगेगा इनसे ज्यादा खुश तो कोई है ही नहीं और किसी को हंड्रेड बुखार होता है बीमार तो हाँ, बीमार मैं कुछ नहीं भाया बहुत बीमार मेरा सब कुछ दर्द हो रहा है तो बात का कोई साइज नहीं है सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर हमने लेंस कौन सा रखा है एंड लेंस को चेंज करना बहुत ईजी है इट्स ओनली एन आदत इट्स ओनली अ हैबिट ऑफ थिंकिंग एंड टोकिंग दैट वे तो जितना हम नेगेटिविटी से अपने आप को बचाएंगे हमारी इनर पावर क्या होती जाएगी बिकॉज वी आर नॉट कंज्यूमिंग इमोशनल इन्फेक्शन फ्रॉम आउटसाइड हम कंज्यूम ही नहीं कर रहे ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ द सोल वेरी प्योर वेरी पावरफुल सिर्फ दाग से बचाना है तो रेडी नाइन डेज रेडी क्या क्या कर रहे हैं हम वन क्या क्या कर रहे हैं हम वन क्या हो गया अभी तो शुरू भी नहीं हुआ नौ दिन <laughs> क्या, क्या क्या कर रहे हो वन क्या कर रहे हैं हाँ सुनेंगे नहीं हाँ सुनेंगे नहीं. बोलेंगे, नहीं बोलेंगे भी नहीं वेरी गुड सुनेंगे भी नहीं बोलेंगे भी नहीं दूसरे की कमजोरी और तीसरा सोचेंगे भी नहीं चीज दिखेगी फॉर एग्जाम्पल कोई आपके घर में गुस्सा करता है कोई हमेशा लेट आता है कोई लोगों पर शक करता है कोई निंदा ही करता रहता है कोई झूठ ये सब संस्कार है इट्स अ स्पेक्ट्रम ऑफ संस्कार वी आर गोइंग टू सी अराउंड अस उनको देखना है उनके साथ रहना है काम करना है लेकिन उनको ब्लेसिंग्स देनी है ताकि उनका भी संस्कार क्या हो जाए फिनिश हो जाए उनके संस्कार को यहाँ चिंतन नहीं करना है क्योंकि उससे नुकसान सिर्फ हमारा नहीं उनका बहुत नुकसान हो रहा है सपोज किसी के अंदर गुस्से की आदत है सिंपल छोटी चीज विजिबल संस्कार और घर में सब लोग बोले इसके अंदर बहुत गुस्सा है इसके अंदर बहुत गुस्सा है इसके अंदर बहुत गुस्सा है कोई और आए घर पे कहते इसके अंदर बहुत गुस्सा है सामने वाला कहते अच्छा इनके अंदर बहुत गुस्सा है तो वो एनर्जी क्या होती जाएगी फिर अगले साल हम बोलेंगे इनके अंदर का गुस्सा तो बढ़ गया किसने बढ़ाया किसने बढ़ाया दो पौधे हैं एक पौधा गुस्से का है एक पौधा पीस का है कोई आत्मा नहीं है जो सारा दिन गुस्सा करती है है कोई ऐसा जो सारा दिन गुस्सा कर रहा है कोई भी नहीं है तो ईच सोल हैज बोथ द संस्कार एंगर भी है पीस भी है हमें किसको पानी देना है हमने किसको पानी देना है मतलब किसके बारे में सोचना है और बोलना है एनर्जी किसको देनी है एक को एनर्जी दो दूसरे को पानी देना बंद कर दो उस संस्कार को खत्म नहीं करना पड़ता सिर्फ उसको पानी देना बंद कर दो वो संस्कार अपने आप जब हम में सबसे पहले दिन सेंटर पर है आते हैं ना सारे दाग लेकर आते हैं गुस्सा न ईर्षा न सब अहंकार सब तो परमात्मा पहले दिन कहता है आप पवित्र आत्मा है आप पीसफुल आत्मा है नॉट एटॉल आप लवफुल आत्मा है नॉट एटॉल वो कहता है अब यही सोचना है यही बोलना है यही चिंतन करना है आई एम अ पीसफुल सो आई एम अ प्योर सोल आई एम अ हैप्पी सो आई एम अ लवफफुल सो दूसरा बोलना नहीं दूसरा सोचना नहीं तो धीरे धीरे क्या होता है वो पीसफुल लवफुल और हैप्पी के संस्कार को पानी जाना शुरू होता है रोज जाता है रोज जाता है फिर जब अपने लिए ऐसा बोलते हैं औरों के लिए भी ऐसा बोलते हैं ये भी पीसफुल सोल ये भी हैप्पी सोल ये भी पावरफुल सोल ये भी लवफुल सोल तो उनके भी उसी संस्कार को पानी देते हैं पता ही नहीं चलता कब दूसरा वाला पौधा धीरे धीरे क्योंकि उस पर अटेंशन ही नहीं गया दे इज नो अदर वे टू चेंज अ संस्कार द ओनली वे इज टू फोकस ऑन संस्कार। किसी की कोई भी आदत आपको चेंज करनी है सिंपल तरीका है उसके बारे में न सोचो न बोलो लेकिन उसकी जो काउंटर आदत है उसके बारे में सोचो बोलो सबको सुनाओ दिस इज कॉल्ड गिविंग ब्लेसिंग्स तो देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं सामने हम जाते हैं हम कहते हैं मैं नीच हूं पापी हूं कपटी हो वो कहते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि हम अपनी नेगेटिविटीज़ के साथ जाएंगे लेकिन देवी देवता सिर्फ ब्लेसिंग्स देंगे और ब्लेसिंग दे दे के दे दे के वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को क्या कर देंगे खत्म कर देंगे ये डिवाइन आत्माएं कहा हैं यहां बैठी है कल आप मंडे मॉर्निंग घर में ऑफिस में रस्ते पर लोगों से मिलेंगे इंटरैक्ट करेंगे आपको उनका वो वाला संस्कार दिखेगा आपको क्या करना है ब्लेसिंग मतलब उस नेगेटिव संस्कार का चिंतन एंड बोलना नहीं उनके अंदर के प्योर संस्कार का चिंतन करना और बोलना